नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर गुंडो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सीखते हैं एज कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो एज कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद एज कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। और यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा हो, यदि आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को हमेशा लाइक कर दे और क्या करें, इसको कमेंट करें और कुछ सब्सक्राइब भी करें। और यदि इसमें इस वीडियो में यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो हम लोग आगे सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इधर बना लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। इधर इतना ही ले लेते हैं, इसको टेबल बना लिए। और क्या करते हैं हम लोग, इसको जिसको हम लोग को थोड़ा नाम के लिए थोड़ा बड़ा होगा तो बड़ा ले लिए। डेट ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर ले लेते हैं प्रेजेंट डेट, और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग बना लेते हैं, ठीक। तो हम लोग अब यहाँ से, अब हम लोग क्या करते हैं एज कैलकुलेशन के लिए हम लोग इतना सारा ले लेते हैं। और लेने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग बॉर्डर करके मर्ज कर लेते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं एज कैलकुलेशन, एज अब हम लोग इसको क्या करें, शेडिंग कलर ले लिए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके इसको कलर ले लिए, अब इसको यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट कलर को। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर नेम लिख लेते हैं, यहाँ पर नेम, कि हम लोग का नेम हो गया, इसके बाद हो गया डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद परसेंट डेट, इसके बाद एज, इसके बाद हम लोग इसमें ले लेते हैं, हम लोग इधर एज लिख लेते हैं, एज यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इन ईयर कर लेते हैं, इन ईयर मतलब ये क्या है, वर्ष में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग लिख लेते हैं एज, ठीक है, क्या लिखते हैं, इन मंथ। इसके बाद हम लोग एज लिख लेते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पर, इन डे। हम लोग चलिए अब नाम सब टाइप पहले टाइप कर लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेते हैं, फिर प्रेजेंट डेट टाइप कर लेते हैं, उसके बाद एज इन ईयर टाइप, एज इन ईयर निकालेंगे, फिर एज इन मंथ निकालेंगे, एज इन डे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें नेम लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग नाम टाइप कर लिए और डेट ऑफ बर्थ आप टाइप कर लेते हैं, ठीक है, 14/2/1999। ये हम लोग टाइप कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट डेट, प्रेजेंट डेट मतलब अभी का, मतलब आज का डेट। तो आज का डेट हम लोग को इस डेस्कटॉप में दिखा दे रहा है कि 5 दिसंबर 2021 है, तो हम लोग यहाँ पर 05/12/2021 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सब में हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े। तो कंट्रोल वी दबा कर भी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी एल,
ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग उम्र निकालते हैं, एज निकालते हैं, तो एज हम लोग ईयर में निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है बराबर डी ए टी डी डेटेड इफ, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना, डेटेड इफ के बाद ब्रैकेट ओपन करना है और ये डेट ऑफ बर्थ वाले एड्रेस पर क्लिक कर देना है, कोमा करना है, फिर इसमें प्रेजेंट डेट में क्लिक करना, फिर कोमा। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है आपको वाई, ठीक है, वाई फॉर ईयर, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे हम लोग इंटर करेंगे वैसे हम लोग एज कैलकुलेशन आ गया। देखिए संतोष कुमार का डेट ऑफ बर्थ था 14/2/1999, जबकि प्रेजेंट डेट 5/12/2021 तक में कितना ईयर हो रहा है, 22 साल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग मंथ निकालते हैं, मंथ निकालने के लिए बराबर फिर लिखते हैं डेटा डिप, डेटा डिप लिखे फिर ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर उसी तरह कोमा, इसमें क्लिक करके कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा। अब लिखते हैं मंथ निकालने के लिए, हम लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोजिंग कर। तो एक मंथ में हम लोग गिनती करेंगे तो 273 मंथ हो चुका है। अब हम लोग एज इन डे, डे कैसे निकालेंगे, फिर डेटेड इफ से हम सूत्र लिखना है, हम लोग को डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करना है। अब इस सेल में क्लिक किया, कोमा किया, इस सेल में क्लिक किया, कोमा किया, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डे निकालने के लिए डी लिख देना है, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट इंटर। तो देखिए यहाँ पर 83:30, ठीक है, 8,330 दिन। इस तरह से हम लोग बारी बारी से हम लोग सब पे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो याद रखना होगा आपको सूत्र, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है, बराबर डेटा डिप लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, डेट ऑफ बर्थ में क्लिक कर का सेल एड्रेस लिखना है कोमा, प्रेजेंट डेट का सेल एड्रेस लिखना है कोमा, उसके बाद इन्वर्ट कोमा, यदि ईयर निकालना चाहते हैं वाई, मंथ निकालना चाहते हैं तो एम लिखना होगा, और डे निकालना चाहते हैं तो क्या निकला होगा, डी लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से हम लोग आप सबका निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको चाहते हैं तो इस स्टेप से आप खींच भी सकते हैं तो सबका निकल जाता है, क्योंकि हम लोग सेल एड्रेस डाले थे, सबका इस स्टेप पर निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप का हम आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। एज में आप एज भी देख सकते हैं और क्या बोलते हैं आपका ईयर देख सकते हैं, मंथ देख सकते हैं और डे देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।